Hello students, today we are going to discuss the chapter Stoichiometry 1, Mole Concept of Physical Chemistry, first chapter. सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, आपको एकदम क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन करने जा रहा हूँ. सो ये जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करने जा रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कम से कम एक बार ज़रूर इन चैप्टर्स को देखा है, इक्वेशंस पे क्वेश्चन लगा चुके हैं और एक क्विक रिवीजन एग्जाम के पर्पज़ के लिए ये वीडियोज़ हैं. तो आप क्विक रिवीजन के लिए इन वीडियोस को सुन सकते हैं और जिससे आपको कुछ याद हो जाए, चीज़ें दिमाग में रहे, उसके लिए मैंने ये सब वीडियोस बनाई हुई है. सो हियर लेट्स स्टार्ट विद स्टोइकियोमेट्री 1. इस चैप्टर में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है मोल्स के रिलेटेड कैलकुलेशन करना, मोल्स को सॉल्व करना. तो सबसे पहले मोल यहाँ पर डिफाइन होता है और वो एक नंबर है, क्वान्टिटी नंबर है, एवोगाड्रो नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, 6.022 × 10^23. इसको NA से हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं. ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये बड़ा नंबर जब भी हम लोग बहुत लार्ज क्वांटिटी में बात करने की बात करते हैं तब इसको हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे हम लोग जब छोटे छोटे मासेस की बात करते हैं तब जो मास का यूनिट यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है यूज़ करने के लिए उसको हम लोग ने नाम दिया हुआ AMU, एटॉमिक मास यूनिट. जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1 atom ऑफ सोडियम तो उसका आंसर आना चाहिए 23 AMU. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 1 mole ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम तो उसका आंसर आ जाएगा 23 gram. देर इज अ रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम, 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA gram. तो आप इस रिलेशन से भी मतलब एक मोल के लिए NA पार्टिकल्स को लेके सॉल्व कर सकते हैं. तो एक मोल मतलब एक नंबर है NA, एवोगाड्रो नंबर, जिसको आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. NA अमाउंट ऑफ समथिंग, वो NA नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, न्यूट्रॉन्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है. इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करने के, पता करने के यहाँ पे तीन तरीके हैं. एक है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट. अगर आपको मोलर वेट पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप उसको निकाल सकते हैं और गिवन वेट अपॉन मोलर वेट कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है. एक है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट हो गया. एक और है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो आप गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या करो, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड मार दो तो आपका नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है. देर इज़ 1 mole कैलकुलेशन फॉर्मूला, लेकिन वो सिर्फ गैस के लिए लगता है, गैस के लिए अप्लीकेबल है. और वो है कि गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, लेकिन ये एट NTP है. और अगर STP होगा तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.7. अब ये 22.4 और 22.7 है क्या, ये मोलर वॉल्यूम है एट NTP एंड STP. NTP का मतलब होता है कि 1 atm प्रेशर एंड 0° सेल्सियस टेम्परेचर. तो इस कंडीशन पे आप आइडियल गैस इक्वेशन PV = NRT लगा के इसको निकाल भी सकते हैं. मोलर वॉल्यूम निकल के आता है 22.4 liter. सिमिलरली STP की कंडीशन होती है 1 bar और 0° सेल्सियस, तो उसमें आप PV = NRT करके निकाल भी सकते हैं, 22.7 liter निकल के आ जाता है. लेकिन बहुत सी बुक्स में या बहुत बार कैलकुलेशन में भी आपको इस तरह से मिलेगा कि चाहे NTP हो या STP हो, वो सब जगह 22.4 ही यूज़ करता है, जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो आप गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली. लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है, रिमेंबर इट इज़ ओनली फॉर गैस, सिर्फ गैस के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है. फिर मोल्स कैलकुलेशन के बाद जो सीक्वेंस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो सीक्वेंस जल्दी होता है कि मोल्स से आप मॉलिक्यूल्स पे जाते हैं NA से मल्टीप्लाई करके, फिर मॉलिक्यूल से आप एटम्स पे जाते हैं जितने भी उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करके, और अगर उसके अंदर उसने कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात पूछी हुई है तो आप उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर को कैलकुलेट करते हैं. तो उस हिसाब से आप मोल्स के कैलकुलेशन करते हैं. इसके बाद इसमें बहुत ढेर सारे लॉज हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो लॉज आप NCERT से पूरा पढ़ लें, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगाड्रोज लॉ. तो ये सब तो बेसिक लॉज हैं, इसको आप NCERT से पढ़ लीजिए. मैं यहाँ पे सिर्फ जो एग्जाम पर्पज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो मोल्स निकालना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी मोल्स तो हर चैप्टर में मतलब उसका यूज़ है तो आपको पता होना चाहिए. उसके बाद आपको सारे यूनिट्स का थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे वॉल्यूम की यूनिट्स और प्रेशर की यूनिट्स का अंदाज़ा होना चाहिए. 1 liter इज इक्वल टू 1000 cc होता है, 1000 ml बोल गया, तो 1 cc और 1 ml एक ही क्वांटिटी होगी एक तरीके से. फिर प्रेशर को लेके यूनिट्स होती हैं ATM, बार,
इस तरह से होता है, तो 1 bar = 10^5 पास्कल हो गया, 1 atm = 1.01325 × 10^5 पास्कल हो गया, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 1 atm = 1.01325 bar हो गया। और प्रेशर की यूनिट एक और होती है, 1 atm = 760 mm of Hg मर्क्यूरी लेवल या 76 cm of Hg। तो ये सब प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स है जो कि ज़्यादा यूज होती है, और भी यूनिट्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे वॉल्यूम का जो SI यूनिट है वो तो मीटर क्यूब है, बट ज़्यादातर लीटर, CC, ML ये सब यूनिट आपको देखने को मिलेगा। 1 liter = 1 dm³ भी होता है, तो ये सब आप डायरेक्टली थोड़ा ध्यान में रखो। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको रिलेटिव डेंसिटी जो है वो किसी भी चीज़ की गैस की डेंसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर गैस, किसी अदर गैस के रिस्पेक्ट में, और वो आप जब सॉल्व करोगे तो मोलर, उनके जो मोलर मास होता है उन्हीं के रेशियो में वो आ जाता है। फिर वेपर डेंसिटी इज ऑल्सो द डेंसिटी ऑफ गैस, बट विथ रिस्पेक्ट टू नॉट एनी रेफरेंस गैस, इट इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू वन रेफरेंस गैस, और वो गैस डिफाइन किया हुआ है हाइड्रोजन गैस को। तो इस वजह से फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर वेट, मोलर मास ऑफ द गैस बाय 2, क्योंकि मोलर मास हाइड्रोजन का 2 होता है, तो वहां से निकल के आ जाता है। उसके बाद एक आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4°C, क्योंकि पानी का जो है 4°C पे देखा गया है कि एग्जैक्टली डेंसिटी जो है वो 1 g/mL होता है, 1 g/cc होता है, तो 4 डिग्री पे होता है वो सबसे, मतलब मैक्सिमम पानी का 4°C पे ही देखा गया है, उसके ऊपर नीचे अगर आप जाते हैं तो डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक नंबर, तो रिलेटिव एटॉमिक नंबर जो है वो भी एटॉमिक मास ही है बट विथ रेस्पेक्ट टू 1 amu, 1 amu को डिफाइन किया गया है, 1 amu इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 atom ऑफ carbon-12 आइसोटोप। अब ये carbon-12 यहाँ पे लिया गया है, उसका रीजन बस ये है कि इससे जो मास देखा गया है carbon-12 का वो एग्जैक्टली मास जो है 12 के आसपास आता है, 1 mole का अगर बात करें तो उससे चीज़ें वेल डिफाइंड हो गई हैं। पहले ये ऑक्सीजन के भी रेस्पेक्ट में था, हाइड्रोजन के भी रेस्पेक्ट में था, बट वो एग्जैक्ट नहीं था, और प्लस कार्बन जो है वो अबंडेंट एलिमेंट है, बहुत जगह पाया जाता है, तो उस वजह से भी carbon-12 आइसोटोप को यहाँ पे लिया गया है। इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको परसेंटेज निकालने के लिए दिया जाएगा, जैसे किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज कितना होता है, तो उस एलिमेंट का जितना भी उसमें मास आ रहा है डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100। जैसे अगर मैं बात करूँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन की अगर बात करता हूँ, तो लाइमस्टोन का मोलर मास होता है 100 g, 100 g इज द मोलर मास। और अगर फिर कोई पूछेगा कि कैल्शियम का परसेंटेज कितना है, तो कैल्शियम का मास आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम का मास होता है 40, तो 40/100 × 100 करेंगे मतलब 40%, तो परसेंटेज जो वेट हो गया वो 40% हो गया, तो आपको परसेंटेज निकालना जो है आना चाहिए। और उसमें यही है, कम से कम आपको 1 to 30 जो है वो एटॉमिक वेट याद होने चाहिए, और एटॉमिक नंबर भी, एलिमेंट कौन सा है, ये सब कुछ 1 से लेकर 30 तक का कम से कम जो है याद रखो। हालांकि एग्जाम में भी कभी कभी ब्रैकेट में देगा, लेकिन जब नहीं देगा तो फिर आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा, तो इसलिए बेटर है कि 1 से लेकर 30 तक का आप एटॉमिक नंबर याद रखो। उसके बाद इसमें जैसे आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको अब मोल्स रिलेटेड बैलेंस केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम लोग मोल्स रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वी मस्ट हैव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं उससे हम मोल्स का रिलेशन जो है वो लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ N2+3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, तो इसके मीनिंग्स क्या हैं, इसके मीनिंग्स ये हैं कि 1 mole N2 का कंबाइन हो रहा है 3 mole H2 के साथ और वो दे रहा है 2 moles ऑफ अमोनिया। अब मोल्स को आप वेरियस फैक्टर्स में यूज़ कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे 1 mole N2 बोल रहे हो मतलब कि आपका मास हो गया 28 g, तो 28 g N2 इट कम्बाइंस विथ 3H2 लिखा हुआ है मतलब 6 g ऑफ हाइड्रोजन गैस टू गिव 2 NH3 लिखा हुआ है, तो 1 NH3 का 17 होता है, तो 2 moles का हो जाएगा 34, तो 34 g ऑफ अमोनिया। वैसे भी 28 + 6 = 34 आना भी चाहिए था बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस तरीके की चीज़ें आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो कि मोल को वेरियस फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है कि आप नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, 1 mole N2 बोला मतलब NA molecules ऑफ N2 हो गया, इट कम्बाइंस विथ 3 NA molecules ऑफ H2 टू गिव 2 NA molecules ऑफ अमोनिया। फिर क्योंकि ये गैस भी हैं, तो अगर आप NTP पे वॉल्यूम के साथ इसका डिस्कशन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन
टू गिव 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया एट एनटीपी, इस बात का ध्यान रहे। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। वॉल्यूम वाला जो कंपैरिजन है वो एक केमिकल रिएक्शन को लेके आप तभी कर सकते हो जब वहां पे गैसेज इन्वॉल्व है, इस बात का ध्यान रहे, गैसेज शुड बी इन्वॉल्व देयर, तभी आप वो वॉल्यूम वाला कंपैरिजन कर सकते हो। और इसके बेसिस पे आप कितना प्रोडक्ट कितना बनेगा वो सब पता कर सकते हो कि एक मोल से इतना हो जाता है तो दो मोल से कितना जाता है, वो सब कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल मोल एनालिसिस। अब मोल मोल एनालिसिस करते वक्त कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ज़्यादा देगा एक चीज़ कम देगा, ऐसा कर सकता है। तो उस केस में एक फैक्टर आ जाता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग एजेंट वो रिएजेंट होता है जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाता है, और अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो फिर रिएक्शन वहीं पे मतलब रुक जाएगी, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। इट इज़ जस्ट लाइक, जैसे अगर मैं तुमको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे कभी खाना बना रहे हो तो खाना बनाते वक्त अगर सब्जी है, तेल है, नमक है, मिर्ची है, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन खाने का जो टेस्ट है इट इज़ लाइक केमिकल रिएक्शन, खाने का जो टेस्ट है इट इज़ लाइक प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो अगर मान लो कि आपने नमक कम डाला तो टेस्ट ऑब्वियसली बेकार आएगा, टेस्ट उतना प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगा कि जितना आप चाहते थे। तो नमक इज़ योर लिमिटिंग रिएजेंट, नमक जितना होना चाहिए था अगर उससे कम आया तो इसका मतलब क्या है कि नमक इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसा हो गया। तो इन द सेम वे रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई रिएक्टेंट वाला पार्ट है और वो पहले खत्म हो गया तो दूसरे के साथ जो वो रिएक्शन कर रहा था वो भले ही एक्सेस में हो उससे क्या मतलब है, प्रोडक्ट तो दोनों को मिला के ही बनना होता है। तो जब पहला एक पार्ट कोई खत्म हो गया, जैसे ए प्लस बी से सी बन रहा है, तो ए प्लस बी से सी बन रहा है और हमको पता है कि ए के एक मोल के लिए मान लो कि बी का चार मोल लगता है, लेकिन क्वेश्चन ने दे दिया ए का तो एक मोल दिया है लेकिन बी का खाली दो मोल दिया है, तो ए के एक मोल के लिए तो बी का चार लगना चाहिए था लेकिन चार नहीं है, वहां दो ही है, इसका मतलब बी पहले ही खत्म हो जाएगा। तो बी के दो मोल के लिए ए का कितना लगेगा वो आप निकाल सकते हो, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो। और फिर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी लिमिटिंग रिएजेंट से ही फिर जज करोगे, क्योंकि जो रिएक्टेंट कम है जितना वो खत्म हुआ उसी के बेसिस पे प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के मदद से आप जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की वहां पे बात करते हैं। तो फिर दूसरे वाले रीजेंट को छोड़ देना है और इस रीजेंट को पकड़ना है जिसकी बात की जा रही है। अगर क्वेश्चन में दूसरे रीजेंट के बारे में पूछा कि भाई वो कितना बचेगा, तब भले वहां से निकाल सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जो बात है वो लिमिटिंग रीजेंट के थ्रू ही आपको सॉल्व करना होता है। उसके बाद कभी कई बार ऐसा होगा कि आपको एरो के ऊपर परसेंटेज दे देता है। जैसे जब परसेंटेज नहीं देता है तब तो आप नॉर्मली जो यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर एरो के ऊपर परसेंटेज दे दिया उसका मतलब क्या है कि वो आपको परसेंटेज यील्ड बता रहा है। एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है कि जितना आना चाहिए था उसका कितना आया है, क्योंकि नॉर्मली जो रिएक्शंस होती हैं प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, तो 100% तो जो थ्योरेटिकल हम लोग बोलते हैं उतना आ नहीं पाता है। तो जितना आया एरो के ऊपर अगर वो दे दिया है तो आप क्या करो, आप वैसे केसेस में कि एरो के ऊपर अगर मान लिया 80% दिया हुआ है, तो 80% दिया हुआ है तो आप पहले थ्योरेटिकली निकाल लो, आप 100% यील्ड मान के निकाल लो थ्योरेटिकली कि इतने मोल गए तो इससे इतने बनने चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इतना होना चाहिए, और उसके बेसिस पे क्या करो, जितना भी आपका आंसर आएगा उसमें जितना परसेंटेज ऊपर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसका उतना परसेंटेज ले लो, तो आपको फाइनल आंसर मतलब मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं, कभी कभी क्या है कि परसेंटेज प्योरिटी पूछ लेता है, तो वो कैसे कि मान लो कि जो कंपाउंड आप लेके चले और उस कंपाउंड में कुछ इम्प्योरिटी थी, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कम बनेगा, तो जितना एक्चुअली प्रोडक्ट बनेगा वो तो एग्जैक्ट चीज़ से बनेगा, तो एग्जैक्ट चीज़ से बनेगा तो फिर आप क्या करो कि आपको उल्टा जाना पड़ेगा, आप प्रोडक्ट से आप जाओ रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाओ और पता करो कि इतने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए रिएक्टेंट कितना लगा होगा, और तब आपको एग्जैक्ट जब मास पता चल जाएगा और गिवन जो मास रहेगा सैंपल का उसमें आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, जिससे आप परसेंटेज प्योरिटी पता कर सकते हो। तो परसेंटेज प्योरिटी जो है वो रिएक्टेंट साइड होता है, और जो परसेंटेज यील्ड होता है वो प्रोडक्ट साइड होता है, इस बात का ध्यान रहे, परसेंटेज यील्ड इज एट द प्रोडक्ट साइड, परसेंटेज प्योरिटी इज एट द रिएक्टेंट साइड, और उस साइड में आप पता कर सकते हो कि कितना एग्जैक्टली रिएक्टेंट वाला पार्ट था और सैंपल कितना लेके चले थे, सैंपल में कुछ इम्प्योरिटी होगी तो जितना भी एग्जैक्ट जो मास है डिवाइड बाय सैंपल लेके चले थे इनटू 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज प्योरिटी मिल जाती है। इस तरह के जनरली जो AGCL के क्वेश्चन बने हुए हैं तो आप उसको देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। उसके बाद इसमें आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो शॉर्टेस्ट रेशियो वाला फॉर्मूला है, स्मॉलेस्ट रेशियो वाला फॉर्मूला है एटम्स का किसी भी मॉलिक्यूल में। जैसे अगर मैं बोलता हूं
कि C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, लेकिन ये मॉलिकुलर फॉर्मूला हुआ, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, 6:12:6 का रेशियो आ रहा है, मतलब 1:2:1 आ रहा है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH2O। अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला पता करने का पूरा एक मेथड है कि हम लोग क्या मानते हैं कि कंपाउंड का मास मान लेते हैं 100 ग्राम है, और फिर जो भी परसेंटेज लिखा रहता है वो उसका मास हो जाता है, फिर हम लोग मोल्स निकालते हैं, मोल्स निकालने के बाद हम लोग फिर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद फिर हम लोग उसका स्मॉलेस्ट रेशियो निकालते हैं, मतलब उसमें से जो सबसे छोटा होता है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं, और अगर वो रेशियो एक इंटीजर रेशियो नहीं है तो हम लोगों को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको हम इंटीजर में लेके आते हैं, और तब जो है वहाँ पे हम लोग उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं दोनों में, नीट एग्जाम में भी और जी एग्जाम में भी, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एम्पेरिकल फॉर्मूला। बाकी परसेंटेज यील्ड रिस्पेक्ट में कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, मोल्स तो जनरल चीज़ हो गया, मोल्स तो हर जगह ही कैलकुलेशन में आपको काम आएगा। उसके बाद रिएक्शंस के दो पार्ट होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन या कंजिक्यूटिव रिएक्शन। तो सीक्वेंशियल रिएक्शंस जो हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शंस का मतलब होता है कि अगर एक रिएक्शन है जो कि स्टेप वाइज हो रहा है, स्टेप वाइज होने का मतलब क्या कि पहले वाले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे वाले रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेंट का काम करेगा, फिर दूसरे वाले का जो प्रोडक्ट है वो तीसरे वाले के लिए, मान लो कि अगर तीन रिएक्शन हो रही है तो तीसरे वाले रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करेगा। तो इस तरह से जब रिएक्शन चलती है तो इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो उसमें क्या ध्यान रखना है, उसमें यह ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ कॉमन आ रहा है, मतलब ऊपर प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, उसके मोल्स को लेके आपको आगे बढ़ते जाना है, तो आपको इस तरह से प्रोसीड करना है। कभी कभी आपको उल्टा भी जाना पड़ सकता है, अगर आपको लास्ट वाली कंडीशन दी हुई है तो उस केस में आपको उल्टा भी जाना पड़ सकता है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो वही ये सब कुछ जो है वो मोल मोल एनालिसिस से आपको सॉल्व करना है, लिमिटिंग एजेंट का ध्यान रखना है सब जगह। उसके बाद लिमिटिंग एजेंट का ध्यान रखने के साथ साथ परसेंटेज यील्ड, अगर कहीं पे परसेंटेज भी लिखा हुआ है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो निकाल रहे हो यूनिटरी मेथड से वो तो आप 100% यील्ड करके मान के निकाल रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि मतलब यील्ड 100% ही हो। तो पैरों के ऊपर अगर कुछ दिया हुआ है तो आप पहले निकाल लो थियोरेटिकली 100% के हिसाब से, और उसके बाद उसका उतना परसेंट ले लो ताकि आपको जो है उतना मिल जाए, एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपको मिल जाए। तो ये हुआ एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके बाद जो एक कंसेप्ट आता है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, कभी कभी पूछ लेता है कि इस एक कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताओ, और किसी एक एलिमेंट का उसने परसेंटेज दे दिया कि इसका इतना परसेंटेज उसमें आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट अगर कभी भी पूछ लेता है तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट में हम लोग ऑब्वियसली बात है कि कोई एक एटम का मिनिमम, एक ही एटम किसी एक एलिमेंट का हम लोग एक ही एटम ले सकते हैं मिनिमम, जीरो नहीं बोल सकते, नहीं तो फिर परसेंटेज किस काम का है। तो क्या करना है कि जो भी एलिमेंट के बारे में वहाँ लिखा रहेगा, अज्यूम करना कि उसका एक ही एटम प्रेजेंट है, तो एक एटम प्रेजेंट है तो उसका उतना मास डिवाइड बाय कंपाउंड का मास एक्स मान लो, तो उतना डिवाइड बाय एक्स इंटू 100 शुड बी दैट परसेंटेज, और वहां से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स इज योर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, ये आप मानोगे। तो जैसे सपोज अगर मैं बोलता हूं कि किसी कंपाउंड में सल्फर का परसेंटेज दिया हुआ है 20%, सल्फर का परसेंटेज दिया है 20%, और पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, तो क्या करोगे, सल्फर का एक एटम अज्यूम करोगे, मतलब कि 32 ग्राम, तो 32 बाय एक्स इंटू 100 शुड बी इक्वल टू 20, और यहां से एक्स निकाल लोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। फिर इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग दोनों साइड एटम को कंजर्व कराते हैं, लेकिन ध्यान देना POC लगाने के कुछ रूल्स हैं, जैसे पूरा का पूरा एटम जो है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट साइड कंज्यूम होना चाहिए। अब POAC हम तभी सजेस्ट करेंगे आप लोगों को जब आप नॉर्मली मोर कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, जैसे आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे, उस केस में आप POAC लगाना, क्योंकि अगर इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे तो बेटर है कि आपने जो मोर कंसेप्ट सीखा हुआ है, लिमिटिंग एजेंट वगैरह सीखा हुआ है, उसे आप जज कर सकते हो। लिमिटिंग एजेंट पता करने का तरीका क्या होता है क्वेश्चन में, कि क्या करो कि आप, जैसे मैंने बोला, अगर आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि एक के लिए इतना लगता है तो अगर वो कम है तो फिर वो लिमिटिंग एजेंट बन जाएगा, या आप एक काम कर सकते हो, आप N by SC चेक कर सकते हो। N by SC मतलब
गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जिस भी रिएक्टेंट का एन अपॉन एस सी छोटा होता है, कम होता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो आपको पूरा जो है ऐसा मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली गिवन नंबर ऑफ मोल्स, जो क्वेश्चन में गिवन नंबर ऑफ मोल्स है वो डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आ रहा है वो, इसको चेक करो, ये जिसका छोटा होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो उससे आप फिर यूनिटरी मेथड लगा के फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली लिमिटिंग रिएजेंट को चेक नहीं कर पा रहे हैं तो। इसके बाद जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में, यहाँ मूल कंसेप्ट में, वो है भाई कंसंट्रेशन टर्म्स को जानना। कंसंट्रेशन टर्म्स को जानने के लिए ही एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो है तुम लोग पढ़ रहे हो, मोल्स निकालना है, ये सब करना, वो सब करना। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में जैसे सबसे पहला परसेंटेज वाले कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट फॉर्मूला है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसका रियल मीनिंग क्या है, देखो फॉर्मूला तो चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्वेश्चंस रियल मीनिंग से सॉल्व करने होते हैं। तो रियल मीनिंग क्या है, रियल मीनिंग ये है कि अगर आप 100 ग्राम का सॉल्यूशन लेते हैं तो आपको सॉल्यूट का कितना मास, कितना ग्राम सॉल्यूट जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज द रियल मीनिंग। अगर आप ये रियल मीनिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत से जो क्वेश्चन है जिसमें आपको एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में स्विच करना होता है वो आप तुरंत कर लोगे। फिर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ध्यान रखना इन ml इनटू 100। तो इसका रियल मीनिंग क्या हुआ कि अगर 100 ml का सॉल्यूशन है तो आपके पास कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना 100 ml लीटर नहीं है, यहाँ पे ml है, 100 ml में आप बात कर रहे हो तो कि कितना ग्राम सॉल्यूट मौजूद है। उसके बाद परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब ये जनरली यूज करते हैं जब हम लोग के पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड फॉर्मेट में होते हैं, जनरली तब यूज करते हैं। तो इसका हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। अगेन द रियल मीनिंग इज 100 ml में कितना ml सॉल्यूट मौजूद है, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट मौजूद है, ये हुआ परसेंटेज। फिर अगर जो चीज परसेंटेज में से नहीं दिखाई देती है तो आपको मिलियंथ पार्ट और बिलियंथ पार्ट लेना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ppm एंड ppb। तो ppm का फॉर्मूला हो गया कि पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, क्योंकि 1 मिलियन इज 10 की पावर 6। अब ये क्वांटिटी कब यूज करते हैं, जब सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में, वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, क्योंकि जो चीज 100 पार्ट में नहीं मिल पाई तो उसका कितना लिया जा रहा है, उसका मिलियंथ पार्ट लेके देख रहे हैं कि उसमें कितना हो रहा है। जैसे अगर मैं कहीं बोलता हूँ 2 ppm, तो 2 ppm का मतलब क्या हुआ कि अगर 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 2 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है, विच इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर है ही नहीं इस तरह से, लेकिन फिर भी मतलब क्वांटिटी है तो उसको थोड़ा हमको निकालना है इस तरह से है। तो ppm लेवल, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो ppm में कैलकुलेट होता है, और होना भी चाहिए, अगर पानी में जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम वाले जो सॉल्ट्स हैं वो ज़्यादा हो जाए, ppm लेवल उनका ज़्यादा हो जाए तो पानी क्या है, इट विल बी अनफिट फॉर यूज़ नहीं कर पाओगे, उसमें लेदर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, झाग नहीं बन पाएगा, धुल नहीं पाएंगे, तो ppm लेवल कम रहता है। सिमिलरली पॉल्यूटेंट्स का जो लेवल होता है वो भी ppm में मेजर होता है, होना भी चाहिए, ज़्यादा बढ़ जाएगा लेवल तो फिर बस हो गया, फिर तो सांस ले लिया तुमने। उसके बाद फिर मान लो कि जो मिलियन में भी ना दिखे तो उसको बिलियन में कर लेते हैं, बिलियन में निकालते हैं, बिलियन पार्ट में, तो फॉर्मूला बन जाएगा पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9, है ना, बिलियन में निकालेंगे। फिर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जो है वो जस्ट फ्रैक्शन ऑफ मोल्स है कि पूरे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, इस सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, उस सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं, तो उसको हम लोग काय से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एक्स भी लिखा रहता है बहुत जगह। तो अगर जैसे ए और बी मैं 2 कंपोनेंट मान लेता हूँ, ए मेरा सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, तो काय ए हो जाएगा Na बाय Na प्लस Nb, काय बी हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। और हमेशा याद रखना समेशन ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, क्योंकि पूरा मिला के तो एज अ होल पार्ट बन जाएगा ना, फ्रैक्शन पूरा 1 बन जाएगा, तो इसलिए फ्रैक्शन का पूरा समेशन कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ समथिंग, जैसे सॉल्यूट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म है वो मोलैरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी से ही सबसे ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ध्यान रखें। तो इसका रियल मीनिंग क्या हुआ, इसका रियल मीनिंग हुआ कि अगर आपके पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मौजूद हैं,
अब इस पे बहुत ढेर सारे केसेस भी हैं, बहुत ढेर सारे आप क्वेश्चंस भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन रियल मीनिंग यही है कि आपको 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने होते हैं, वही इसकी खास बात है। अब इसमें m इंटू वी अगर आप कर देते हो, इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वी, ऐसा एन बाय वी लिख देते हैं, तो अगर एम इंटू वी कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। तो इसके दो केसेस बनते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कि केस ऑफ डाइल्यूशन। केस ऑफ डाइल्यूशन मतलब कि आपने उसके अंदर पानी मिला दिया, सॉल्वेंट मिला दिया, और उसका कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि पानी मिलाओगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, तो कंसेंट्रेशन में इफेक्ट पड़ेगा, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होते हैं। तो अगर आप पहला बोलते हो कि एम वन था, वी वन था, बाद में बोलते हो एम टू हो गया, वी टू हो गया, तो एम वन इंटू वी वन इज इक्वल टू एम टू इंटू वी टू, ये आप लगा सकते हो इन द केस ऑफ डाइल्यूशन, क्योंकि एम इंटू वी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर तुमने पानी मिलाया, सॉल्वेंट मिलाया, तो तुमने जो है सॉल्यूट को कोई इफेक्ट नहीं किया, तो एम इंटू वी जो है वो मेंटेन रहेगा, तो इसलिए एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू। फिर इसमें एक और केस आता है जब आप मिक्सिंग की बात करते हो, मिक्सिंग की बात करते हो, जैसे आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, तो मिक्स कर दिया और वो अनरिएक्टिव अगर सॉल्यूशन है, रिएक्ट नहीं किए, तो ऐसे केसेस में आप यूज कर सकते हो कैपिटल एम, जो फाइनल मोलरिटी होगी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू बाय वी वन प्लस वी टू, इस तरह से आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि एम वी जो है वो टोटल मोल्स हो गया और टोटल वॉल्यूम हो गया वी वन प्लस वी टू, तो कैपिटल जो मोलरिटी, फाइनल मोलरिटी जो हो जाएगी वो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। अब कभी कभी क्या होगा, मान लो कि सॉल्यूशन रिएक्ट कर गए, तो रिएक्ट कर गए तो भैया तुमको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखने के बाद देखो कि कौन कितना बच रहा है, किसके मोल कितने बच रहे हैं, और तब तुम जो है उसके कंसंट्रेशन को निकालने की कोशिश करो। फिर एक बात ध्यान रहे कि हम लोग जब सॉल्यूशन में डील करते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म में डील करते हैं, देन वी आर ओनली अज्यूमिंग द सॉल्यूशन एज होमोजीनियस सॉल्यूशन। हम लोग हेटरोजीनियस को यहाँ पे नहीं काउंट करते हैं, हम लोग होमोजीनियस को काउंट करते हैं, मतलब कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो भी कंसंट्रेशन है, जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है, वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर रहे हैं, देर इज यूनिफॉर्मिटी इन द होल सॉल्यूशन। मतलब अगर आप बोलते हो कि 1 लीटर में 10 मोल मिलते हैं, देन यू आर श्योर कि 2 लीटर में 20 मोल मिल जाएंगे, ये आप कब बोल सकते हो, जब पूरा का सॉल्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन रहेगा तो आप नहीं बोल सकते, जैसे मान लिया आपने शरबत बनाया और आपने चीनी पूरा मिलाया नहीं, चीनी नीचे ज्यादा है, देन इट इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, इट इज नॉट अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, क्योंकि आप ऊपर से टेस्ट करोगे तो कंसंट्रेशन का टेस्ट कुछ अलग लगेगा, नीचे जो पिएगा उसको ज्यादा मीठा दिखाई देगा, मतलब टेस्ट आएगा, तो डेट इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। लेकिन अगर आपने शरबत बनाया है और उसमें पूरा सॉल्यूशन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है, तो बिल्कुल आप चाहे ऊपर से पियो, चाहे बीच में से पियो, चाहे नीचे से पियो, आपको सेम टेस्ट आएगा। तो यही बात है, यहाँ पे हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन को बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेट करना है, और जब कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि मतलब अगर 1 लीटर उठा रहे हैं तो इतने मोल्स आ रहे हैं, तो 2 लीटर में इतने आ जाएंगे, हम लोग को यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, तो हम लोग सिर्फ होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या पे बात करते हैं। तो इसीलिए अगर कभी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाए, प्रेसिपिटेट जैसे कि AgCl, AgBr, PbSO4, BaSO4, ये सब चीज़ें दिखाई दे, तो उन कंपोनेंट्स की वजह से तुमको कभी भी जो है उनका कंसंट्रेशन जो है वो नहीं लेना है। तुम उनके निकाल सकते हो कि मास कितना फॉर्म हुआ, मोल्स कितना फॉर्म हुआ, बैलेंस केमिकल से निकाल लो, लेकिन कंसंट्रेशन में उसकी बातें नहीं करोगे, उसके आयंस का कंसंट्रेशन या उसका कंसंट्रेशन कंसिडर नहीं होता है। वी डू नॉट कंसिडर प्रेसिपिटेट एज अ पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन, इस बात का ध्यान रहे। फिर जो स्टोइकियोमेट्री 1 में जो एक लास्ट क्वांटिटी है कंसंट्रेशन टर्म की, उसको बोला जाता है मोलैलिटी, स्मॉल m। स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान देना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है यहाँ पे, मतलब अगर आपके पास 1 केजी सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन में से आपने इतना पार्ट लिया कि 1 केजी सॉल्वेंट आ गया, तो उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सॉल्यूट का होगा, उसी को हम लोग मोलैलिटी बोलते हैं। अब मोलैलिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है कि नीचे वहां पे ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, बस नीचे वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, ये डिफरेंस है। और अगर कभी कोई पूछता है कि आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, विच वन इज मोर प्रेफरेबल, तो ये बात एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है और तुम्हें पता भी होना चाहिए कि मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो उस वजह से अगर आप
कैपिटल एम का कैलकुलेशन कर रहे हैं किसी अलग अलग जगह पे बैठ के, तो आपका कंसंट्रेशन वेरी हो सकता है, लेकिन अगर आप स्मॉल एम का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपका वो वेरी नहीं होगा क्योंकि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसीलिए स्मॉल एम इज प्रिफर्ड ओवर कैपिटल एम, इस बात को ध्यान रखें। ये एनसीईआरटी में भी लाइन दिया हुआ है और स्कूल के एग्जाम में भी बहुत बार ये कभी कभी यूनिट टेस्ट वगैरह में पूछ लेता है। तो इतना कुछ है तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में स्टोइकियोमेट्री 1 में। इसके बाद जो कंसंट्रेशन टर्म्स है लाइक नॉर्मैलिटी, हार्डनेस ऑफ वाटर, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, तो ये सारी चीज़ें स्टोइकियोमेट्री 2 में है। तो मैं स्टोइकियोमेट्री 2 में उन सारी क्वांटिटीज़ को डिस्कस करूँगा। स्टोइकियोमेट्री 1 में इतना कुछ है, इसको आप ध्यान से सुनो, ध्यान से रिवाइज करो, तो तुम्हें जो है सब कुछ जो बेसिक आइडिया है वो दिमाग में रहेगा, फॉर्मूले वाइज भी रहेगा और कंसेप्ट वाइज भी रहेगा। और ध्यान रखना कि वो 22.4 22.7 वाला जो फंडा है वो सिर्फ गैस के लिए है, तो उसको लिक्विड के लिए कभी अप्लाई मत कर देना। बहुत बार स्टूडेंट्स जो है वो लिक्विड को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और लिक्विड में भी सेम चीज़ लगा देते हैं। सो आई होप दिस विल हेल्प यू। इसको सुनो, जितनी बार भी इसको वापस रिवाइंड करके सुनना है वो सुनो, और जितने भी कंसेप्ट हैं इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो। स्टोइकियोमेट्री 1 में यही सब जो है वो बेसिक कंसेप्ट हैं और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं फॉर द एग्जाम पर्पस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे स्टोइकियोमेट्री 2। थैंक यू।